A very warm welcome, all of you. I hope you are doing well. My name is Nadeem. In the last video, we have discussed about social change and characteristics of social change. But today, I will discuss about approaches or theories of social change in the society. There are majorly six theories of social change in the society. Uh, one by one, I will say one by one. The first is evolutionary theory. Second is cyclical theory and third is structural functionalist theory and conflict theory linear theory modernization theory so i will discuss one by one so let's start but tell me one thing before my starting this video what is the name of this man okay okay next let's move ahead so i will discuss about approaches and theories of social change in the society So all, term, so, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो वट इज द ठीक है तो अप्रोच क्या होती है देखो मैं आपको बता दूं अप्रोच क्या होती है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए एक वाटर है एक ग्लास है उसमें हाफ फिल्ड वाटर है कुछ लोगों का कहना होगा कि ये जो है हाफ फिल्ड है कुछ कहेंगे हाफ खाली है ठीक है अनफिल्ड है तो इससे हमें क्या पता लगता है इससे हमें पता लगता है अप्रोच के बारे में अलग अलग थिंकर की अलग अलग, अलग अप्रोच हो सकती है किसी एक पर्टिकुलर इवेंट पर उसी तरीके से हम पढ़ेंगे क्या इन थ्योरीज को हम पढ़ेंगे कि सोसाइटी के अंदर जो चेंज आया है सोसाइटी के अंदर जो चेंज आता है उसके पीछे का क्या रीजन है अलग अलग हम थिंकर के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे जैसे मैंने आपको बताया दे आर मेजरली सिक्स थ्योरीज इन सोशल एक्सचेंज सोशल चेंज इन सोसाइटी ऐसे एवोल्यूशनरी थ्योरी इज द फर्स्ट ठीक है एवोल्यूशनरी थ्योरी क्या बताती है एवोल्यूशनरी थ्योरी कंसर्न करती है किस बारे में कि डायरेक्शन ऑफ चेंज क्या रही है और मैनर जो मैनर क्या रहा है चेंज का जो मैनर मतलब कि किस तरीके से चेंज चेंज हुआ है चेंज अकर डायरेक्शन क्या रही है और मैनर क्या रहा है चेंज होने का तो एवोल्यूशनरी थ्योरी से अगर हम बात करें तो एवोल्यूशनरी थ्योरी सोशल चेंज टू बी कंसिस्टेंट डायरेक्शन सोशल चेंज जैसे हमने अपने लास्ट वीडियो में बताया और आपने नहीं देखिए तो प्लीज़ विजिट करें लास्ट वीडियो को जरूर देखें सोशल चेंज क्या है सोशल चेंज टू बी कंसिस्टेंट डायरेक्शन सोशल चेंज हमेशा से होता रहा है और एक कंसिस्टेंट ही होता रहेगा हमने कोई भी सोसाइटी अभी तक ये क्लेम नहीं कर सकती कि वो स्टेटिक है जैसे कि वो भी दो तीन हज़ार साल पहले हुआ करती थी आज भी वैसी की वैसी ही है नहीं हर सोसाइटी के अंदर टाइम टू तो टाइम चेंज आता है ठीक है लेकिन इसमें अगर हम बात करें जो एवोल्यूशनरी थ्योरी है अगर मैं आपको बात करूँ एक एग्जाम्पल दूँ एवोल्यूशन से आप समझते क्या हैं एवोल्यूशन से हम क्या समझते हैं एवोल्यूशन अगर हम मैं बात करूँ आपसे हम 10 साल 15 साल पीछे जाते हैं और हम देखते हैं जो आज हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन है वो किस तरीके का है और उस टाइम पर मोबाइल फोन किस तरीके का था तो आप इससे क्या पता करेंगे इससे पता लेंगे कि एवोल्यूशन ऑफ फोन या एवोल्यूशन ऑफ मोबाइल किस तरीके से हुआ है पहले एक सिंपल सिर्फ आप कॉल कर सकते थे लेकिन आज की डेट में इतने एडवांस फीचर हैं कि आप बहुत कुछ हो सकता है इवन बैंक आपका कनेक्ट है उसके साथ आपका आपका फूड ऑर्डर आप कर सकते हैं शॉपिंग आप कर सकते हैं बहुत सारी चीजें आप उस फोन के जरूर आज कर सकते हैं क्या है एवोल्यूशन है एक किसी भी ऑब्जेक्ट का इसी तरीके से एवोल्यूशन की बात करते हैं सोशल चेंज के कॉन्टेक्स में अलग अलग थिंकर तो इसमें मेजरली थिंकर जो है अगस्त को

या फिर जो हवाओं का तेज हवाओं को देवता मानना ये सारी चीजों को मानना और उनके कॉन्टेक्स्ट में चीजों को हमारे सोसाइटी में बनाना ठीक है सेकंड चीज है मेटाफिजिकल स्टेज मेटाफिजिकल स्टेज में फिलोसॉफिकल थॉट को ज्यादा महत्व देना थर्ड इज पॉजिटिव और साइंटिफिक स्टेज साइंटिफिक में कि अगर कोई चीज है कोई इवेंट है कोई चीज हुई है तो उसके पीछे साइंटिफिक रीजन का जानना ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें पहले अगर कुछ टाइम पहले पहले गांव के अंदर ज्यादा लिटरेसी रेट नहीं हुआ करता था बहुत कम लोग पढ़े लिखे होते थे लेकिन आज की रेट में सभी चीजें थोड़ा थोड़ा सोसाइटी का जो हमारा लिटरेसी रेट बढ़ा है अब से पहले अगर गांव के अंदर किसी को अगर बीपी हाई वगैरह हो जाता था तो कहते थे इसके ऊपर भूत आ गए हैं भूत परेफ आ गए हैं ये सब चीजें वगैरह वगैरह इन सब की बातें करते थे ठीक है लेकिन आज की डेट में क्या है आज के डेट में अगर कहते हैं कि नहीं नहीं इसका बीपी हाई हुआ है बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर हाई हुआ ये इसका साइंटिफिक है लेकिन वो क्या था एक थ्योलॉजिकल थियोलॉजिकल थिंकिंग यानी कि सुपरनेचुरल बिलीव्स में बात करना है गोस्ट में बात करना डेविल्स devil, में बात करना इन सब चीजों की लेकिन मेटाफिजिकल में फिलोसॉफिकल थॉट आए ठीक थर्ड इज साइंटिफिक जिसमें आज हम अगर हम अगर मैं आपसे पूछू कि हम कौन सी स्टेज में हैं अभी तो आप कौन सी स्टेज को बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हम अभी कौन सी स्टेज में हैं अगर अगस्त अकॉर्डिंग अगर हम बात करें सोशल चेंज में तो क्या हम थियोलॉजिकल स्टेज में हैं आज हमारी सोसाइटी या मेटाफिजिकल में है या फिर पॉजिटिव और साइंटिफिक में है आप इसको जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं ठीक है इन्होंने बताएं क्या ही स्टेजेस हैं क्या है ये स्टेजेस हैं ये स्टेजेस बताती हैं किस तरीके से हुआ है अगर हम बात करें हर्बर्ट स्पेंसर की तो हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बात करते हैं टर्म दिया है इन्होंने वो है सोशल डार्विनिज्म ठीक है ये याद रखना जरूर ये यूजीसी के नेट में एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है आपसे टर्म किसने दी हर्बर्ट तो हर्बर्ट स्पेंसर स्पेंसर तो किसकी बात करते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करते हैं ये कहते हैं कि होमोजेनस यानी कि एक छोटा ट्राइबल था होमोजेनस और हाइड्रोजेनस दो चीज है आपको पता होगी नहीं है तो मैं बता देता हूँ होमोजेनस क्या होती है एक ही तरीके के लोग में एक ही चीज हो फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए एक ही जगह है जहां पर सिर्फ और सिर्फ सभी के सभी हिंदी बोलते हैं ठीक है ठीक है लेकिन एक प्लेस ऐसा है जहाँ पर हिंदी भी बोली जाती है इंग्लिश भी बोली जाती है पंजाबी भी बोली जाती है और बंगाली भी बोली जाती है तो वहाँ पर क्या है हाइट्रोजीनिटी है यहाँ पर सिर्फ एक लैंग्वेज थी तो ही क्या थी होमोजीनिटी जहाँ पर अदर अदर लैंग्वेज है क्या हुई हैोजीनिटी ठीक है हाइट्रोजीनस हो गई ये चीज़ें तो इसमें हाइट्रोजीयस और होमोजीनियस और डिफ्रेंस ये कहते हैं होमोजीनियस टू सिंपल ट्राइबल ग्रुप टू कॉम्प्लेक्स मॉडर्न सोसाइटीज किस तरीके से सोसाइटी एक सिंपल थी मानो के चलो एक सेकेंड मानो के हमारे पास क्या था एक सिंपल ट्राइब था सिंपल ट्राइब से क्या हुआ है आज मॉडर्न सोसाइटी बनी है मान लो ये हमारा सिंपल ट्राइब था लेकिन आज की डेट में एवल्यूशन होते 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 हम किस पर आए है? हैं मॉडर्न सोसाइटी से कॉन्सेप्ट पर आए हैं मॉडर्न सोसाइटीज और ट्राइबल में कितना डिफरेंस है बहुत ह्यूज डिफरेंस है अगर हम प्रीमेटिव की मात कर, बात करें सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर क्या काम थे तो हंटिंग करना हंटिंग गैदरिंग ये काम थे लेकिन आज की डेट में बहुत कुछ चेंज हो गया मॉडर्न सोसाइटीज़ में उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो ये सब किस चीज़ को दिखा रहा है दिखा रहे सोशल चेंज को ठीक है ये एक एक चीज और कहते हैं ये कहते हैं कि जो हमारा सर्वाइव ये जो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है किससे डार्विन की थ्योरी से डार्विन की थ्योरी आप जानते होंगे जिन्होंने डार एवोल्यूशन के बारे में बताया है स्पीशीज के बारे में बताया किस तरीके से स्पीशीज एवेल्यू हुई हैं क्योंकि ह्यूमन एप से एक ह्यूमन किस तरीके से चेंज हुआ है ये सब क्या है थ्योरी हैं तो डार्विन की थ्योरी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे और इन्होंने कहा था कि जो समाज के अंदर जो अच्छा टैलेंट होगा जो समाज के अंदर टैलेंट है या फिर एनर्जेटिक होंगे जो लोग जो काम करने के लिए हमेशा एंथुसियास्टिक रहते होंगे वो हमेशा अवार्ड लेंगे सोसाइटी के अंदर या किसी भी किसी भी सिस्टम में रहेंगे वो उनको अवार्ड मिलेगा लेकिन जो लोग लेजी होंगे अनफिट होंगे और जो प्रोकॉस्टिनेट बहुत करते होंगे चीजों को टालते होंगे काम ना करते होंगे वो सब चीजें क्या होंगी वो पीछे जाते रहेंगे इसकी बात पता चलती है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी कि जो सर्वाइव में अच्छा होगा जो चीजों को अडोप्ट करेगा और चीजों को कौन कर करेगा और बढ़ेगा समझेगा आगे बढ़ेगा वही सोसाइटी में कौन कर कर पाएगा इसको अगर हम आज के कॉन्टेक्स में अगर हम बात करें जैसे हमारे देश में अलग अलग लेवल पर एग्जाम होते हैं नेशनल लेवल पर होते हैं स्टेट लेवल पर होते हैं ठीक है और जो भी अगर आप नेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नेशनल लेवल पर एग्जाम होता है नेट के एग्जाम में क्या है जाके आप नेशनल लेवल पर एग्जाम हुआ अब जो भी उसके अंदर जो इतना अच्छा पढ़ के जाएगा जिसके कॉन्सेप्ट जितने क्लियर होंगे जितना उसको समझ होगी डाइवर्स नॉलेज होगी उतना ही उसके सक्सेस होने के रेस्ट क्या है हाई हैं उतना ही उसका सक्सेस होने के रेट आए हैं लेकिन जो पढ़ता नहीं होगा प्रोकास्टिनेट करता होगा लेजी होगा वो सब क्या है वो पीछे रह जाएंगे तो पीछे रहने की वजह जो उन सिर्फ उनकी लाइफ पर भी इफेक्ट पड़ेगा और उनके आने वाली आने जनरेशन पर भी उसका इफेक्ट नजर आ सकता है ठीक है ये सारी चीजें हैं तो इसकी क्या बात हुई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो एग्जाम है इसमें भी और जो पहले की सोसाइटी रही है उनमें भी जो हंटर गैदरिंग रही है हमेशा सर्वाइवल के के लिए लड़ाई रही है अलग-अलग अंदर -अलग ये कहना चाहते हैं लेकिन सर्वाइव वही करेगा जो फिटेस्ट होगा ठीक है आई होप समझे होंगे नेक्स्ट इज कार्ल मार्क्स तो आप सभी जानते होंगे जर्मन सोशलिस्ट हैं इन्होंने थ्योरी दी कन्फ्लिक थ्योरी क्लास कंफ्लिक की बात करते हैं ये कहते हैं कि क्लास यानी सोसाइटी जो है दो जगह पर बटी हुई है जिसको हम जानते हैं हैव्स और हैव्स नॉट्स के बारे में हैव्स और हैव्स नॉट मतलब ऐसे जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है ऐसे जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है जो हमारे जो लोड हैं वो हैव्स हैं और जो हमारे जो हैव्स नॉट हैं वो प्लोरेटेरियट हैं प्लोरेटेरियट जो मतलब वहाँ पर नौकर हैं मजदूर हैं जो काम करते हैं और सबसे ज़्यादा शोषण इन्हीं का होता है और सबसे कम ही इनको उसका बेनिफिट होता है इनका ये कहना था कि जिसका जितना ज़्यादा तो काम होगा वही उस, उसको उतना ही मिलना चाहिए ठीक है तो इन्होंने दी क्या क्लासिकल थ्योरी क्लासिकल थ्योरी कन्फ्लिक्ट थ्योरी कन्फ्लिक्ट थ्योरी में कहते हैं कि जो चेंज आया है सारा सारा डिजाइन जो किया गया है ये कुछ लोगों को एक्सप्लोइट करने के लिए एवोल्यूशन हुआ है एक्सप्लॉइट करा है लोगों को और ये बात करते हैं आगे के लिए कि किस तरीके से आगे सोसाइटी में एवोल्यूशन होना चाहिए एवोल्यूशन किस तरीके का होना चाहिए एवोल्यूशन इस तरीके का होना चाहिए कि अब तक जो है राज किसने किया था हेव्स ने लेकिन अब आगे क्या होगा अब आगे रोल वो करेगा कि रूल्ड बाय द रूल्ड यानी रूल बाय द रूल्ड यानी कि जिन पर शासन किया गया है वो शासन करेंगे फिर होते होते क्या होगा नेक्स्ट टाइम क्या होगा एवोल्यूशन होते होते जब रूल्ड बाय रूल्ड आ जाएगा उसके बाद हम एक और स्टेज पर आगे जाएंगे जिसका नाम है कॉम्युनिज्म क्या है कॉम्युनिज्म कॉम्युनिज्म में क्या है कि सभी चीज आपको सभी के लिए बराबर होंगी कॉम्युनिज्म जैसे कि कॉमन कॉमन वर्ड सुना होगा कॉमन है सभी के लिए नहीं सभी चीज सभी के पास होंगी सारे रिसोर्सेज सभी के पास होंगे कोई भी प्लोरिटेरियट नहीं होगा ना ही कोई लोड होगा ना ही कोई किसी के ऊपर एक्सप्लोइट करेगा सभी के अपनी जो जितना करेगा उसको उतना मिले उसको सभी को बराबर मिलेगा क्योंकि इसकी बात करते हैं कॉम्युनिज्म की ये फाइनल स्टेज है इनके एवोल्यूशन की लेकिन कॉम्युनिज्म जो है एक अलग अलग कंट्री के अंदर जो कॉम्युनिज्म अभी तक भी नहीं हुआ है और कहते हैं कि कुछ पॉलिटिकल थिंकर हैं उनका मानना ये भी है कि कॉम्युनिज्म होना बहुत ही मुश्किल है किसी भी सोसाइटी के अंदर ये होने से आ, सोसाइटी जो है सही से फंक्शन नहीं कर पाएगी कहते हैं कि इनइक्वेलिटी इज अ नेसेसरी नेसेसरी एविल नेसेसरी एविल है इनक्वलिटी भी अगर हमको हाँ सोसाइटी को रन कराना है सभी लोग बराबर हो जाएंगे तो नहीं अच्छे से सोसाइटी फंक्शन कर पाएगी ठीक है आगे बढ़ते हैं बात करते हैं साइक्लिकल थ्योरी की साइकिलकल थ्योरी क्या होती है साइक्लिकल थ्योरी में जो हमारे स्टार्टिंग मान लो कि फॉर एग्जांपल देखना ये मान लो पेंडुलम है काइंड kind ऑफ of, और यहाँ पर ये इसका बोब है ये और इस तरीके से ये जाता है यहाँ पर फिर उसके बाद यहाँ जाता है और सॉरी यहां से था ये पेंडुलम और इस तरीके से ऐसे 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 जाता रहता है मतलब कि जो चीज यहाँ से शुरू हुई थी वो चीज वहीं पर पहुंच जानी यहाँ से शुरू हुई और वहीं वापस वहीं पर पहुंच गई साइकिलिकल थ्योरी एक साइकिल पैटर्न पे ये जर्मन फिलोसोफर हैं ऑसवर्ल्ड स्पेन्जर ओसवल्ड स्पेंगलर वो कहते हैं कि ग्रेट सिविलाइजेशन पासिंग थ्रू सक्सेसिव स्टेज ऑफ बर्थ ग्रोथ एंड

कल्चर वो कल्चर है जिसमें कि जो होता है तो आगे, आगे क्या होता है वो क्या होता है कि अगर बात करें हम सेंसेट की तो सेंसेट क्या होता है सेंसेट ऐसा होता है जो मेटरलिस्टिक चीजों पर ज्यादा बिलीव करता है ना कि ऐसे सुपर नेचुरल बिलीव पर और वैल्यूज पर और जो आइडियलिस्टिक होती है आइडियलिस्टिक होती है दोनों का कॉम्बिनेशन कह सकते हैं कि फिर उसके बाद एंटीथेसिस उसके बाद यह है सिंथेसिस ठीक है आई होप समझे होंगे फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों ने कहा कि नहीं सुपर नेचुरल बिलीफ तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं सुपर नेचुरल होना ही चाहिए और सभी को स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना चाहिए ठीक है लेकिन हर एक का मानना ये नहीं होता कुछ कहते हैं नहीं सुपर नेचुरल बिलीव सॉरी ज़्यादा फिलोसोफिकल थाट नहीं फिलोसोफिकल स्परिचुअलिटी नहीं वो किसकी तरफ बढ़ते हैं मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं यानी कि जो चीज़ें हैं आपके पास कितनी अच्छी कार है आपके पास कितना चागर है आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है जो उस पर डिपेंड करता है लेकिन आइडिशनल कल्चर क्या बात करता है आइडिशनल कल्चर किसके बारे में बात करता है आइडिशनल कल्चर बात करता है किस बारे में वो बात करता है के आपके संस्कार कितने अच्छे हैं आप कितने ईमानदार हैं आप कितने स्पिरिचुअल हैं आप कितने अच्छे से सोसाइटी में मतलब कि ओनेस्टी और इक्वालिटी, फ्रीडम इन सब की किस तरीके से आप बातें करते हैं या आप सबको कितना स्पेस देते हैं वो किसकी बात करते हैं एडिशनल कल्चर की ठीक है इसमें स्पिरिचुअलिटी अगर हम बात करें हम आइडियलिस्टिक आइडियलिस्टिक कल्चर की तो आइडियलिस्टिक कल्चर वो कल्चर होता है जिसमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जैसे मैंने आपको बताया जिसमें थोड़ी स्पिरिचुअलिटी भी हो ऐसा भी नहीं हो कि सिर्फ और सिर्फ इंसान मेटरिस्टिक हो उसके अंदर एथिक्स ना हो उसके अंदर वैल्यूज ना हो वो सिर्फ और सिर्फ मेटेरियल चीजों पर ज्यादा डिपेंडेंसी क्रिएट करें मेटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ ज्यादा माइल हो ना कि नीचुअलिटी लेकिन अगर हम मेडिकल अगर सभी चीज अगर मानो पूरा सोसाइटी स्परिचुअलिटी की तरफ होगा सारे के सभी स्परिचुअल होंगे सभी मोंक बन जाएंगे सभी सन्यासी जाएंगे तो फिर सेंसेट का मतलब मटेरियलिस्टिक चीजों का क्या होगा तो दोनों चीजें जरूरी हैं तो दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए मतलब कि जो हमारा मींस ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या होगा ये सारी चीजें तो आए, सेंसेट कल्चर क्या कहता है सेंसेट बात कल्चर करता है मटेरियलिस्टिक थिंकिंग की जैसे कि जैसे मैंने आपको बताया अच्छा कार अच्छी घर अच्छा बंगला अच्छी जो अच्छी वगैरह वगैरह ये सारी चीज किसकी बात करता है करट कल्चर की अगर ये जो हमारा आइडियलिस्टिक है ये बात करता है दोनों का कॉम्बिनेशन जैसे कि ये था हमारा थेसिस उसके बाद इसके करा एंटीथेसिस यानी कि इसके विरोध में कुछ लोग गए फिर उसके बाद सिंथेसिस यानी बीच का रास्ता जिसको हम गोल्डन मीन के नाम से भी जानते हैं और बुद्धा पाथ के नाम से भी जानते हैं यानी कि ऐसे दोनों का रास्ता है एक अब हमें ये, मुझे ये बताइए कमेंट में कि आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है इसके आइडियलिस्टिक आइडियशनल होने चाहिए हम या सेंसेट होने चाहिए या आइडियलिस्टिक होने चाहिए आप दोनों आप अपनी राय रख सकते हैं आप कौन से कल्चर या कौन से कल्चर को प्रमोट करना चाहेंगे किसको आप पसंद ज्यादा करते हैं नेक्स्ट अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल फंक्शन थ्योरी देखो स्ट्रक्चरल फंक्शनिस्ट थ्योरी में ये है, उन्होंने बताया कि चेंज डिस्टर्ब करता है ऑर्डरली फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम को सिस्टम या सोसाइटी को जो एक सोसाइटी ने एक ताना बाना बना हुआ है सोसाइटी के अंदर अगर उसमें कोई तुम बड़ा चेंज लेकर आओगे तो उसमें जो है वो डिस्टर्ब होता है उसकी फंक्शनिंग में दिक्कत आती है तो उस चीज को रोक उसकी बात करता है कि स्ट्रक्चरल फंक्शन फोकस ऑन कोहेजन ये बात करता है किसकी कोहेजन की ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अ सोशल सिस्टम कोहेजन का मतलब कि आपस में जुड़ाओ एक दूसरे के पास प्रति लगाओ हम इस तरीके से याद कर सकते हैं समझ सकते हैं इसको और एंड स्टेबिलिटी ऑफ सोशल सिस्टम यानी कि स्टेबिलिटी यानी जो स्थिरता समाज में स्थिरता बनी रहे इट फोकस ऑन द ऑफ सोशल चेंज ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी बात करता है कि जो चेंज आता है वो उसका हमारे सोशल स्ट्रक्चर पर किस तरीके से उसका फर्क पड़ता है उसके बाद के उसके बारे में बात करता है क्या स्ट्रक्चरल फंक्शन थ्योरी अब हम बात करें कन्फ्लिक्ट थ्योरी की कन्फ्लिक्ट थ्योरी कहती है कि कन्फ्लिक्ट जो है असेंशियल है और बेनिफिशियल है अगर हम बात करें देखो असेंशियल है बेनिफिशियल अब इन्होंने कहा कन्फ्लिक्ट कन्फ्लिक्ट का मतलब वो संघर्ष ठीक है संघर्ष हो है या फिर वाद प्रतिवाद ये सब कन्फ्लिक्ट है अब कन्फ्लिक्ट को ही उन्होंने कहा है कि कन्फ्लिक्ट जो है कन्फ्लिक्ट इन द दोसल सिस्टम फॉर द बेटर टू वर्स कन्फ्लिक्ट क्यों होता है सोसाइटी के अंदर इसलिए होता है ताकि वो बेटर से बेटर सोशल सिस्टम बेटर हो या वर्स हो लेकिन कन्फ्लिक्ट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सोशल चेंज इज द रिजल्ट ऑफ सोशल कन्फ्लिक्ट विच इज एसेंशियल एंड बेनिफिशियल जो असेंशियल है जरूरी है और बेनिफिशियल है फॉर एग्जाम्पल देखो हम बात करें हमारे देश में नाइनटीन से पहले किसका रूल था आप सही बताओ आप सभी को पता है ब्रिटर्स का रूल था इससे पहले हमने कितना कंफ्लिक्ट किया हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने कन्फ्लिक्ट किया कन्फिल्ट किया संघर्ष किया उसके साथ क्या हुआ हम जो है इंडिपेंडेंट कंट्री बने अब हम इंडिपेंडेंट कंट्री बने हैं तो क्या ये कन्फ्लिक्ट करना हमारे लिए पॉजिटिविटी की तरफ था या वोर्स की तरफ था आप सोच सकते हैं इस तरीके की चीजें ठीक है हम किसकी तरफ गए हैं पॉजिटिविटी की तरफ गए यानी कि जो कन्फ्लिक्ट क्या है एक नेसेसरी एविल है वो भी एसेंशियल है जरूरी है अगर कन्फ्लिक्ट होगा जैसे मैंने बताया And जब होगा, तो भी कहीं कहीं पर अच्छा माना जाता है थीके? और ये हमेशा से रहेगा कभी ना कभी कभी खत्म नहीं होगा कन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट रहता ही है सोशल चेंज कंटिन्यूस टू बिकम इनबल एंटिल सोसाइटी क्लासलेस सोसाइटी सोशल चेंज हमेशा होता रहेगा होता रहेगा कब तक जब तक होता रहेगा जब तक समाज हमारा क्लासलेस सोसाइटी ना हो जाए क्लासलेस सोसाइटी क्लासलेस सोसाइटी फॉर एग्जाम्पल क्लासलेस सोसाइटी को हम समझ सकते हैं हैव्स हैव्स और नॉट्स के बीच में कि जब तक समाज में सभी बराबर नहीं होंगे जब तक ये सोशल चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ठीक है तो आप इस थ्योरी से कितना बिलीव करते हैं कितना मानते हैं आप मुझे इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं नेक्स्ट इज लीनियर थ्योरी लीनियर थ्योरी बात करती है वो टू बेटर की फॉर एग्जाम्पल पहले हम एक ट्राइबल थे हंटिंग हंटिंग गैदरिंग हमारा काम था लेकिन उसके बाद आज की डेट में हमारे चीजें डायनेमिक्स चेंज हुए हैं काम करने का तरीका चेंज हुआ है और चीजें मेटलिस्टिक लेवल पर भी हाई बड़ी है और स्परिचुअल

मान लो कि थोड़ा हम कह सकते हैं इट इज इट मे बी रिगार्डेड एज एन एक्सटेंशन ऑफ लीनियर एवोल्यूशनरी थ्योरी एवोल्यूशनरी और लीनियर जो थ्योरी है उसका ये एक्सटेंशन वर्जन है मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है ना कि हम आगे बढ़ रहे हैं हम चीजों को नई नई तरीके सीख रहे हैं हम पॉलिटिकल लेवल पर सोशल लेवल पर इकोनॉमिक लेवल पर हमारी सोसाइटी में डेवलपमेंट हो रहे हैं ठीक पहले सोसाइटी अगर हम बात करें पहले सोसाइटी हमारे अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो वर्ना सिस्टम में बहुत जकड़ी हुई थी और अब उसके बाद थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहे हैं अब गवर्नमेंट ने फॉर्मेटिव एक्शन लिए हैं कुछ कुछ रूल्स बनाए हैं रेगुलेशन किए हैं ताकि उन सब चीज़ को बाहर आ सके इकोनॉमिक की अगर हम बात करें तो हमारी कंट्री पहले प्राइमरी सेक्टर पर ज्यादा डिपेंडेंट थी लेकिन आज के डेट में हमारा हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर भी हो थर्ड सेक्टर भी है तो क्या है कि चेंज आ रहा है इकोनॉमिक चेंज आया है हमारी समाज के अंदर पॉलिटिकल की अगर हम बात करें देखो मैं बताऊं आपको ये जो सिस्टम है डेमोक्रेसी अब से पहले अगर हम चले जाएं अब से 300 400 या 500 साल पहले अगर हम चले जाएं तो वहां पर किस तरीके से आप किसी टेरिटरी पे कौन कर करते थे या किस तरीके से रूल करते थे तो आपको लड़ना होता था आपको एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी में जाकर को हराना होता था लड़ाई करनी होती जंग करना होता था खून खराबा होता था बहुत लोगों की जान जाती थी ये सारी चीजें लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं है अगर आप एक कंट्री के अंदर है और आप चाहते हैं कि वहां पर आप रूल करें सारी चीज तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छा पैटर्न है वो ये है कि वहाँ के लोगों की सहमति हो आपके पास वहाँ के लोगों के पास आप जाए और उनके सामने अपने प्रस्ताव रखें और उनके लिए काम करें कितना अच्छा तरीका है वोटिंग करें कि वो चुनेंगे जो वहाँ के लोग वाले हैं कि कौन बनेगा आपका ये सारी चीजें क्या होती है इससे हमारी सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट हुआ इन चीजों के ठीक है तो अगर हम बात करें कुछ फैक्टर्स की तो फैक्टर्स क्या रहे हैं कि फैक्टर्स क्या हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं सोशल चेंज को ठीक है तो सोशल चेंज को जो एफेक्ट करने में है फिजिकल इन्वायरमेंट देखो किसी भी जगह का फिजिकल इन्वायरमेंट बहुत ही डिपेंड करता है बहुत ही बताता है कि उसका आने वाला जो चेंज की पेस कितनी होगी कैसी होगी और चेंज उसका किस तरीके का है होगा ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे वहाँ जिस भी जगह पर है वहां पर क्या क्या फ्लोरा एंड फोना फ्लोरा से वगैरह एंड के जो जो और जो लिविंग हैं नहीं कि जानवर हैं जीव जंतु हैं वो सभी। वो सभी भी डिपेंड करते हैं फॉर एग्जाम्पल एट द पोल्स यानी कि जहाँ पर जो मान लो हमारी अर्थ है उसका जो पोल्स पर जो पोल्स पर रहते होंगे उनके पास एक अलग चीज उनकी सोसाइटी वे ऑफ लिविंग अलग है जो डेजर्ट में रहते हैं टाइप में रहते हैं उनके वे ऑफ लिविंग अलग होती है ये लिमिट करता है ये, ये अगर अगर मैं कहूँ दे विल बी लिमिटेड सोशल लाइफ बिकॉज दे हैव लिमिटेड सोशल लाइफ बिकॉज दे आर नॉट कनेक्टेड टू तो ईच अदर दे आर लिविंग इन अ वेरी हॉस्टाइल क्लाइमेटिक कंडीशन है ना तो अगर हम डेजर्ट की बात करें दोनों की यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा है यहाँ पर सर्दी बहुत ज्यादा है हार्श कंडीशन है दोनों के लिए तो ये भी डिपेंड करता है कि हमारी जियोग्राफिकल कंडीशन क्या होगी किस तरीके से चेंज होगा एक एग्जाम्पल वो ले सकते हैं मान के चलिए यहाँ पर कोई गाँव था काफी बड़ा गाँव था कुछ हुआ ऐसा कि मान लो कि हम बिहार के एग्जाम्पल ले लेते हैं कोसी रिवर है वो ऑफ बिहार भी, भी कहा जाता है अगर यहाँ पर ये यह रिवर इस तरीके से आ गई कोई गांव को डिवीज़न हो गया यहाँ से लोग चलो पहले वैकेंट हो गए थे कोई नहीं था किसी की जान माल की हानि नहीं हुई यहाँ पर रिवर बहना शुरू हो गई अब इनके काफी रिवर बढ़ती चली गई बढ़ती चली गई लोग इधर उधर मूव होना शुरू हो गए अब कुछ टाइम बाद तुम देखोगे इस सोसाइटी और इस सोसाइटी के जो चेंज बिहेवियर में और इनके लैंग्वेज में और इनके नॉट नॉट इन सिंगल डेज नॉट इन कपल ऑफ ईयर इट विल टेक लॉन्ग टाइम है ना तो, तो लॉन्ग टाइम लेगा तो उसके बाद आप देखोगे दोनों के भाषा में भी डिफरेंस मिलेगा आपको कल्चर में भी डिफरेंस मिलेगा सोचने के थिंकिंग में डिफरेंस मिलेगा अगर इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी नहीं है लेकिन पहले कभी एक हुआ करते थे तो फिजिकल फिजिकल फैक्टर्स भी इसमें बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी भी सोशल चेंज की अगर बात करें डेमोग्राफी की ठीक है डेमोग्राफी जैसे हमारे कंट्री की अगर हम बात करें अगर जिस कंट्री के अंदर फर्टिलिटी रेट और मोर्टेलिटी रेट कम होगा वो कंट्री जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका अच्छा होगा जिसके अंदर फर्टिलिटी रेट और मोरटेलिटी रेट हाई होगा उस कंट्री में जो है बहुत ज़्यादा परेशानी होगी अगर मान लो फर्टिलिटी रेट ज्यादा है तो पॉपुलेशन ओवर हो जाएगी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाएगा चाइल्ड लेबर बहुत होगी और एम्प्लॉयमेंट भी बहुत हद हाँ तक ज़्यादा रहेगा अदर डेमोक्रेटिक फैक्टर जैसे कि डिक्लाइन होंगे सेक्स रेशियो और चेंजिंग एज चेंजिंग एज होगा स्ट्रक्चर और ये सब चीज़ें क्या है जिसका इम्पैक्ट पड़ेगा सोशल और इकोनॉमिक लाइफ पर भी ठीक है आप समझ पा रहे हैं इस तरीके की चीजें यानी मोर्टेलिटी रेट अगर बढ़ जाता है किसी भी जगह समाज इन्फर्टिलिटी ज्यादा हाई होता है तो वहां पर के लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होता है ये सीधी बात है क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और पॉपुलेशन ओवर होगी तो फिर उसके बाद क्या होता है कि सभी लोग वो सभी चीज नहीं मिल पाती हैं तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑटोमेटिकली डाउन जाएगा वहाँ का टेक्नोलॉजिकल अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो टेक्नोलॉजी में जैसे हम सभी जानते हैं कि आज की टेक्नोलॉजी ने एक वर्ल्ड को कन्वर्ट कर दिया है इंटू अ ग्लोबल विलेज है ना इंडस्ट्री में आने वाली टेक्नोलॉजी जैसे मैंने आपको बताया था तो लास्ट वीडियो में कि इंडस्ट्री रिवल्यूशन भी एक बहुत बड़ा पैटर्न बहुत बड़ा चेंज रहा है हमारे सोशल को सोशल सिस्टम को चेंज करने के लिए सोशल वो चेंज लाने के लिए सोसाइटी में चेंज लाने के लिए जैसे पहले फॉर एग्जांपल जॉइंट फैमिली रहा करती थी अब न्यूक्लियर फैमिली रहती है क्योंकि उनको माइग्रेट करके जाना पड़ा सिटी की तरफ वहाँ पर जाकर रहना पड़ा ये सारी चीज़ें उससे बात इमर्ज हुई हैं तो ये टेक्नोलोजिकल फैक्टर्स भी क्या हुए हैं जैसे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में इसमें एडवांसमेंट आई है या फिर इंडस्ट्री में एडवांसमेंट आई है एग्रीकल्चर में एडवांसमेंट आई है ट्रांसपोर्टेशन में एडवांसमेंट कम्युनिकेशन में सोर्स ऑफ एनर्जी फूड प्रोसेसिंग हाउस एंड फिजिकल इन्वामेंट ये सभी क्या है इन्फ्लुएंस करते हैं किसको इन्फ्लुएंस करते हैं सोशल चेंज को तो मैं आपको आप तक हाशा करता हूँ आपको मैं अच्छे से डिलीवर कर पाया हूँ तो आप मुझे इसका कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए हमारे चैनल का लोगों में आपसे उम्मीद करूंगा आप चैनल को लाइक वीडियो को लाइक तो करेंगे ही कमेंट भी करेंगे साथ में आप प्लीज ये भी बताना वीडियो कैसी लगी और कुछ ऐसे सजेशन जो कि आप जिससे मैं अपनी वीडियो को इम्प्रूव कर सकूँ थैंक यू फॉर बींग हेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और प्लीज हमें जो है सब सपोर्ट करें और सोशल वर्क के स्टूडेंट्स के साथ हमारी वीडियो को शेयर करें बी एस डब्ल्यू हो एमएसडब्ल्यू है नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आप शेयर कर सकते हैं ये जो नाम है ये है वो पर्सन जिनको मैं मैंने आपसे पूछा था इनका नाम है अगस्त्यमते ओके ये कौन है फादर ऑफ सोशलॉजिस्ट के नाम से इनको जाना जाता है ठीक है तो ये रहा हमारी वीडियो का एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट